हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में जो रिलेशंस है इसके बारे में। तो पहले तो यहाँ पे भारत ने काफी कुछ जो सेशल्स पे, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट्स हो, अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, काफी कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री और सेशल्स के जो राष्ट्रपति के बीच में वर्चुअल मीट भी आयोजित की गई थी। तो क्या क्या यहाँ पे भारत की स्टैंड होगी, सेशल्स और भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करेंगे, और फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेशल्स ये कहाँ पे आती है एक्चुअली, इसके बारे में भी देखेंगे। और दोनों ही देशों की जो आपसी रिलेशंस के बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सागर है, प्रोजेक्ट सागर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो आपके GS2 पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तो ये वीडियो एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी और सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है, तो दोनों के ही बीच में एक जो वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे इंडिया ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। तो इंडिया ने रिसेंटली सेशल्स के जो माहे एरिया में यहाँ पे न्यू मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसका भी अनावरण किया गया है। लगभग $3.5 मिलियन इन्वेस्ट करके लगभग 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी जो है जो उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी टोटल लागत जो होगी 3.4 मिलियन तक होगी। और 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी सेशल्स में इनॉग्रेट किए जाएंगे। और इसके अलावा इंडिया जो सेशल्स में लगभग 29 स्मॉल पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहां पे स्टार्ट करेगी। लगभग 1 मेगावाट जो सोलर प्रोजेक्ट भी वहां पे बनाया जाएगा। और लगभग 146 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है ये सोलर सिस्टम से द्वारा जो ये चालित होगी। तो ये जो है नॉट ओनली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लगभग 400 से ज्यादा जो घरों की इलेक्ट्रिसिटी नीड जो है ये सोलर पावर प्लांट से पूरी की जाएगी। तो एक चीज देखिए कि सेशल्स जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका भी एक पार्टनर है, और जिसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस डेफिनेटली आप जानते होंगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो थोड़ा सा सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये सेशल्स जो आती है एक द्वीप, छोटी छोटी द्वीप होती है यहाँ पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, लेकिन इंडियन ओशन में आती है यहाँ पे। तो मडागास्कर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को अगर जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेशल्स। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सेशल्स की जो कैपिटल है ये विक्टोरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माहे आइलैंड, जहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट बिल्डिंग बनाने की बात हो रही थी। तो इंडिया का स्टांस के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया ने कुछ टाइम पहले जो फास्ट पेट्रोल वेसल जो है ये भी हैंडेड ओवर किया था, और इससे पहले जो है 2005, 2014 और 2016 में भी ये किया था। देन प्रोजेक्ट सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सेशल्स वन ऑफ द मेजर पार्टनर है इंडिया के लिए। कोविड पेंडेमिक के टाइम में इंडिया ने लगभग 50,000 डोजेस जो है सेशल्स को हेल्प किया गया था, और ताकि सेशल्स में लगभग पॉपुलेशन की 70% जो पॉपुलेशन इम्यून किया जा सके फ्रॉम कोविड, और जिसके हिसाब से उन लोगों की इकोनॉमी ओपन हो सके विद इंडिया। और सेशल्स वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया से जो कोविड वैक्सीन ये प्राप्त किया था। अगर इंडिया और सेशल्स के जो रिलेशनशिप्स के बारे में देखेंगे, तो देखें दोनों ही देशों की जो रिलेशनशिप्स दो सेशल्स के इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1976 के बाद से ही शुरू हो गई थी। भारत ने अपना पहला जो हाई कमिश्नर जो है सेशल्स में अपॉइंट किया था 1987 में। जो एक्सपोर्ट गुड्स के मामले भी देखें, काफ़ी सारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इंडिया लगभग 85 मिलियन के आसपास गुड्स एक्सपोर्ट करती है, और लगभग 5.27 मिलियन तक जो है इंपोर्ट करती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के हिसाब से। तो दोनों ही देशों के बीच में जो टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टाया भी बोलते हैं, ये टाया जो है साइन अप किया गया था अगस्त 2015 में। और ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल, तो ब्लू इकोनॉमी देखे दोनों ही देशों की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भारत और सेशल्स के बीच में। तो ये ब्लू इकोनॉमी जो प्रोटोकॉल, जो नियम है यहाँ पे, कानून है, ये सब जो किया गया था 2015
15 अगस्त में। तो दोनों ही देशों के बीच में रिलेशनशिप हमने जान लिया। तो अगर प्रोजेक्ट सागर के बारे में जानेंगे, तो प्रोजेक्ट सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन, जो लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इंडिया का एक ये मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक वर्जन है इन द इंडियन ओशन रीजन। तो थ्रू प्रोजेक्ट सागर भारत क्या करती है, अपनी इकोनॉमिक टाइज सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन है जो इंडियन ओशन रीजन में, यहाँ पे जो अफ्रीकन जो यहाँ पे छोटी छोटी आइलैंड्स यहाँ पे डेवलप करनी चाहती है, क्योंकि चाइनीज जो डिप्लोमेसी है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे इंडिया जो है अफ्रीका के साथ हिस्टोरिकली भी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप्स है, तो डेफिनेटली इंडिया भी यहाँ पे चाहेगी कि चाइना जो है इसको दखल ना कर ले। इंडिया इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रही है, स्पेशली जो यहाँ पे आइलैंड नेशंस है, चाहे वो मादागास्कर हो, कोमोरोस आइलैंड हो, सेशेल्स हो, बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप्स सभी के बीच में है। तो ये प्रोजेक्ट सागर जो है इसको आप रिलेट कर सकते हैं भारत के अलग अलग जो मैरिटाइम डोमेन है, जो अलग अलग इंडिया की स्टांस है, स्ट्रेटेजिक यहाँ पे एक जो डिप्लोमेसी है, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो टुवर्ड्स द ईस्ट, प्रोजेक्ट सागर माला हो गया, प्रोजेक्ट मौसम हो गया, या फिर भारत की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गया। तो इसमें भारत डेफिनेटली ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल के साथ ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट करना चाहेगी, और डेफिनेटली सेशेल्स, कोमोरोस, मडागास्कर ऐसे जो आइलैंड्स अगर भारत के ही फेवर में होगी तो इंडिया के लिए बहुत ही आसानी होगी। चाहे वो जो आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, चाइना की इन्फ्लुएंस जो है कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यमंद हो सकता है। तो ये था हम लोग का भारत और सेशल्स के बीच में जो रिसेंट न्यूज है। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्स में पूछ भी लिया कि भाई सेशल्स का यहाँ पे कैपिटल कौन सा है, या छोटी छोटी चीजें, या फिर अगर आपको इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी होती है, तो ऐसे पॉइंट्स भी आप जो है कोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, एन्जॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।